आज के संसार के लोगों के भीतर दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ी समझने वाली बात बता रहा हूं, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। आज के संसार के लोगों के भीतर दो चीजों का कंफ्यूजन है, उनको दो आंसर नहीं मिल रहे, दो प्रत्युत्तर नहीं मिल रहे, दो जवाब नहीं मिल रहे। आज के संसार के लोगों के सामने सबसे बड़े दो कंफ्यूजन है, उनको ये पता नहीं कि पैसे कब तक कमाने चाहिए और उनको ये पता नहीं कि धर्म कब से करना चाहिए। दो सवाल समझ लेना, हमारे जीवन में जब तक ये दो सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होगा, हम भटकते रहे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम जीवन में आए क्यों है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में क्या टारगेट लेकर के आगे बढ़ना है, हमें जीवन में कौन सी मंजिल तक पहुंचना है, कौन सी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि पैसे कब तक कमाने चाहिए। आज 80 साल के बुजुर्ग को पूछो तो भी यही जवाब मिलेगा, मैं कहता हूं क्या करते हो, महाराज जी दुकान जाते हैं। 70 साल के बुजुर्ग को पूछो तो भी यही जवाब मिलेगा, महाराज जी ऑफिस में जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप ये चाहते हो कि जीवन के अंतिम सांस तक पैसे कमाए, आपकी मर्जी, आपका जीवन, आप जो चाहो वो करो, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपने कभी ये सोचा कि धर्म कब से करना शुरू होना चाहिए, पैसे कब तक कमाने चाहिए। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा थी, पूर्वाचार्यों की परंपरा थी, पहले के राजघरानों की परंपरा थी, पहले के राजा महाराजाओं की परंपरा थी, जब 50 साल हो जाते थे तो अपना राज्य अपने बेटे को सौंप करके आगे वन में निकल जाते थे। इसीलिए 50 के बाद का जो फिगर आता है उसको क्या कहा जाता है, 50 के बाद 51। जब 50 के बाद का जो फिगर आता है उसको 51 इसलिए कहा जाता है कि भाई 50 हो गए, अब कब तक संसार में डूबना है, अब कब तक संसार में रहना है, अब कब तक संसार में परेशान होना है, कब तक संसार में डूब कर रहना है। और इसलिए जब 50 साल जिनके राज्य थे, जिनके राज रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, जिनके अंडर में हजारों लाखों करोड़ों लोग होते थे, फिर भी वो समझ जाते थे कि 50 हो गए और जैसे 51 लगा मतलब अब वानप्रस्थ का अवसर आ गया, अब जंगल में जाने का अवसर आ गया, यानी कि अब धर्म करने का अवसर आ गया। आज तो 80 साल के बाद में भी ये समझ नहीं आती। बेटे सामने से कह देते कि पिताजी अब आप धर्म ध्यान करो, ऑफिस मत आओ, फिर भी नहीं समझ पाते। हम अपमानित होकर के भी वहां जाने के लिए लालायित होते हैं, उत्सुक होते हैं, क्योंकि जो पैसे का मोह है वो निकलता नहीं है जीवन के अंतिम सांस तक। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज के लोगों को दो चीजों का बड़ा कंफ्यूजन है, पैसे कब तक कमाने चाहिए और धर्म कब से करना चाहिए। मैं कहता हूं बैलेंस बनाओ जीवन। आप ये चाहते हो कि जीवन के अंतिम सांस तक पैसे कमाए तो साथ में ये भी जोड़ो कि धर्म के लिए प्रतिदिन थोड़ा समय भी निकालो। आपको व्यापार में धर्म याद नहीं आता, लेकिन धर्म में व्यापार जरूर याद आता है। ऑफिस में बैठे बैठे नौकर वाली गिनने का मन नहीं होता, लेकिन नौकर वाली गिनते गिनते संसार के विचार जरूर आ जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे आपको कभी बैठ करके स्वाध्याय करने का मन नहीं होता, लेकिन यहाँ यदि समय लेकर स्वाध्याय करने के लिए बैठे होगे तो दुनिया भर के परिवार के, संसार के, व्यापार के, व्यवहार के, धन के सब विचार आ जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जीवन में बैलेंस बना। एक समय के बाद व्यापार छोड़ना चाहिए और जब जीवन में समझ आवे तब से धर्म शुरू करना चाहिए। हम ये सोचते हैं बुढ़ापे में धर्म करेंगे। आजकल के युवक युवतियों की ये मान्यता है कि बुढ़ापा आ जाएगा फिर धर्म करेंगे। अरे मैं तो कई बार कह चुका हूं, कई बार कहता हूं कि बुढ़ापे में तो पाप भी नहीं हो पाते, धर्म तो बहुत दूर की बात। अब मासक श्रवण करने की भावना रखो, बुढ़ापे में हो सकता है। आप सिद्धि तब करने की भावना रखो, बुढ़ापे में हो सकता है। जब शरीर शासन देता हो, जब शांति से बैठ करके हम एक टंग भोजन न कर सकते हो, एक रोटी हम शांति से खा ना सकते हो, ऐसी एज में हम सोचते हैं कि धर्म कर ले।
अरे बुढ़ापे में समझ लेना पाप भी नहीं होता, धर्म करने की उम्र कोई नहीं होती, धर्म उसी दिन से उसी समय से उसी क्षण से शुरू हो जाना चाहिए जब से हमारे भीतर समझ आ जाए कि धर्म कितना महत्वपूर्ण। आज के लोग पाप तो बड़ी आसानी से करते हैं लेकिन धर्म में 19-20 चलता है। आपको पता है कल रविवार का दिवस था, संडे था, कई लोग ये सोचकर होटलों में खाना खाने गए होंगे कि चौमासी 14 के पहले का लास्ट संडे है, जितना बाहर जाके खाना पीना मजे करनी हो उतना कर लो। आपके धर्म की मेंटालिटी देखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ऐसा धर्म करके हम सोचते हैं कि हम तीर जाएंगे। चौमासी 14 के पहले का जो लास्ट संडे होता है वो आपका होटलों में जाता है, और संवत्सरी के बाद का जो पहला संडे होता है वो भी कहां जाता है? धर्म के पहले भी पाप, धर्म के बाद में भी पाप, और हम सोचे ये धर्म हमें तार देगा। चौमासी 14 के पहले होटलों में जाकर हम खाना खा के आते, डिनर करके आते, लंच करके आते, और हम सोचते अब 2 दिन बाद महाराज जी चौमासी 14 शुरू होगी, फिर 50 दिन कुछ नहीं खा पाएंगे, और 50 दिन नहीं खा पाएंगे इसके लिए हम डिनर करने के लिए जाते। ये आपके चतुर्मास की तैयारियां है, ये हमारे धर्म की तैयारियां है। और जैसे संवत्सरी प्रतिक्रमण पूरा होता है उसके बाद का जो संडे होता है हाईएस्ट जैन उस दिन होटलों में आपको देखने मिलेंगे। एक चीज समझ लेना, धर्म के पहले यदि पाप करने का मन होता हो और धर्म के बाद में भी पाप करने का मन होता हो वह धर्म आपको कभी तार नहीं सकता। हमें जीवन में धर्म की परिभाषा नहीं पता, हमें यह नहीं पता कि धर्म कब से करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज के लोगों में सबसे बड़ा 2 कंफ्यूजन है, पैसे कब तक कमाने चाहिए यह भी नहीं पता, और धर्म कब से करना चाहिए यह भी नहीं पता। बैलेंस बनाना नहीं आता। मैं ना नहीं कहता आपके संसार के मौज शौक, आपका जीवन, आपको जो करना है करो, लेकिन जीवन में धर्म को तो लाओ। मैं तो कई बार जब युवक युवतियां मिलने आते हैं तो उनको कहता हूं, आप ये कहते हो महाराज जी सैटरडे नाइट है, पार्टी में जाना पड़ता है, पार्टी करनी पड़ती है। मैं कहता हूं आपका जीवन, आपको जो मर्जी हो करो, और लेकिन एक बात समझ लो, सैटरडे नाइट को पार्टी करना जरूरी है तो संडे के दिन शांति से परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करना भी जरूरी है। बैलेंस बनाओ जीवन में। आप संसार में रहना चाहते हो, मैं कहता हूं धर्म भी जीवन में उतना जरूरी है, और इसलिए आपको पता है हमारे यहां संडे को हॉलीडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपकी हॉलीडे की परिभाषा क्या है? पता है खाना पीना मौज करना मजे करनी शांति से जीवन जीना, लेकिन आपने कभी बैठकर सोचा कि हॉलीडे का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में यदि आप टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा होली यानी कि पवित्र और डे यानी दिवस। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? पवित्र दिवस, जो दिवस पूजा पाठ के लिए हो, जो दिवस परमात्मा की भक्ति के लिए हो, जो दिवस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हो, जो दिवस धर्म करने के लिए हो, वही दिवस को आपने पाप करने के लिए बना दिया, वही दिन को आपको पाप के साथ जोड़ दिया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, जीवन में ये 2 कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, पैसे कब तक कमाने हैं ये आप तय कर लेना कि जीवन में एक छोर के बाद हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने में ही भलाई है। एक चीज समझ लेना, समय से हम छोड़ दे उसमें ही हमारा गौरव है। बेटे हमें ये कह के कल से ऑफिस नहीं आना उसमें हमारा गौरव नहीं, समय से हम छोड़ दे उसका हमारा गौरव है, और धर्म समय से शुरू कर दे उसका भी गौरव है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दिमाग में 2 चीजें क्लियर कर लेना, पैसा कब तक कमाना और धर्म कब से करना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।